कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार प्रताप सिंह खाचरियावास के समर्थन में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने जयपुर के आराध्य देव श्री गोविंद देव जी के मंदिर से ऐतिहासिक रोड शो किया। रोड शो में रामनवमी की शुभकामनाओं के भगवान श्री राम एवं श्री खाटू श्याम जी के रथ चल रहे थे, जिसमें लोग भजन पर केसरिया और तिरंगे साफे बांधे हुए नाचते हुए चल रहे थे। आज के जुलूस ने अमित शाह के रोड शो को फीका कर दिया। हजारों की तादाद में दोपहर 1:30 बजे प्रारंभ होकर लोग 3 घंटे तक पैदल चलते रहे। सैकड़ों वाहन मोटरसाइकिल साथ चल रही थी। सभी बाजारों में जबरदस्त स्वागत हुआ। आज यात्रा गोविंद देव जी के मंदिर से हवा महल के सामने से होते हुए जौहरी बाजार, बापू बाजार, नेहरू बाजार, किशनपोल बाजार, छोटी चौपड़, चांदपोल होते हुए रामचंद्र जी के मंदिर एवं चांदपोल हनुमान जी के मंदिर पर दर्शन करके जीत का आशीर्वाद लेकर रोड शो समाप्त किया। रोड शो में महिलाएं, पुरुष, युवा, 3 बाण के धारी, जरा जल्दी आओ ना, मुश्किल में है प्रताप, तुम्हारा पार लगाओ ना एवं केसरी के लाल, मेरा छोटा सा है काम, मेरे राम जी से कहना, जय सिया राम के भजनों पर हजारों लोगों को जोश देखते ही बन रहा था। तिरंगे और केसरिया साफे पहने हुए हजारों कार्यकर्ताओं के कारण सड़क केसरिया रंग से रंगी हुई थी और बाजारों से व्यापारी भजनों पर बाहर आकर भजनों पर अभिनंदन कर रहे थे। कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ आज प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, विधायक रफीक खान, अमीन कागजी, गंगा देवी, पुष्पेंद्र भारद्वाज, अर्चना शर्मा, विक्रम सिंह शेखावत सहित हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर शहर की जनता से अपील की है कि उन्होंने पिछले 30 वर्षों से निस्वार्थ भावना से पूरी राजधानी जयपुर की जनता की सेवा की। कैबिनेट मंत्री के समय भी मेरे द्वारा 24 घंटे के लिए खुले रहते हैं तथा मेरा फोन 24 घंटे जनता की सेवा के लिए खुला रहता। आज मैं संघर्ष में हूँ और जनता से विनती कर रहा हूं कि आपकी आवाज़ को दिल्ली की संसद में जाकर बुलंद करूंगा तथा राजधानी जयपुर के विकास एवं तरक्की के लिए हमेशा आगे बढ़कर जनता की सेवा में हाजिर रहूंगा।